हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बहुत सारी बहनों के कमेंट थे कि आपने वॉशिंग मशीन का कवर कैसे बनाया है, आप हमें बनाकर बताइए। तो आज मैंने कूलर का कवर बनाया है जो कि बिल्कुल वॉशिंग मशीन के जैसे ही बना है। तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो चलिए आज मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आपको चाहे मशीन के लिए बनाना हो चाहे कूलर के लिए बनाना हो, आप कवर आसानी से बना लेंगी। तो बिना देरी किए चलिए फटाफट इसका नाप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कूलर के लिए कवर बनाऊंगी। आप चाहे कूलर के लिए कवर बनाए या वॉशिंग मशीन के लिए बनाए, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से बनेंगे। तो पहले मैं आपको इसका नाप लेना बता देती हूँ। आपको मशीन के लिए बनाना है या कूलर के लिए बनाना है, नाप भी बिल्कुल सेम तरीके से लेना है। तो ये देखिए, ये जो इसकी छत होती है, चाहे कूलर है चाहे वॉशिंग मशीन है, पहले हम इसका नाप लेंगे। कोई भी कागज पेन साथ में ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो ये देखिएगा, इस तरह से जब इसकी छत का हम ये लंबाई जो इस साइड से इसकी ज्यादा है इसका नाप लेते हैं, तो ये मेरा यहाँ पर 26.5 इंच बनता है। तो इसमें हम 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा ले लेंगे। तो आप अपने जो है कूलर या वॉशिंग मशीन का इस तरह से नाप लीजिए, जितना भी इस तरह से नाप आता है उसमें 1.5 इंच और जोड़ दीजिए और फिर उतना कपड़ा हम काट लेंगे। तो ये 26.5 और 1.5 इंच और जोड़ देती हूँ तो हमारा ये 28 इंच हो जाएगा। तो ये हम 28 इंच कपड़ा काट लेंगे। तो ये आपने कागज पर इस तरह से नाप के लिख लेना है। तो 1.5 इंच हमने इस साइड में प्लस किया है। अब हम इसकी छत का ये वाला नाप लेंगे। ये देखिएगा, बिल्कुल यहां तक ये मेरा 16.5 इंच बनता है। तो 16.5 में मैं 1.5 इंच कपड़ा ऐड कर दूंगी तो ये हमारा हो जाएगा 18 इंच। तो इतना कपड़ा तो हम छत के लिए काट लेंगे। आप देख लीजिएगा, आप जिस मशीन के लिए या कूलर के लिए बनाना चाहती हैं इसी तरीके से नाप लेकर उसमें 1.5 इंच कपड़ा चौड़ाई में और 1.5 इंच कपड़ा लंबाई में इतना ऐड करके आप उसको एक पीस काट के रख लीजिए। तो ये एक पीस हमारा अलग हो जाएगा छत का। अब हम देखिए इसका जो नाप लेंगे, जो भी आप बना रही हैं चाहे कूलर के लिए चाहे मशीन के लिए, इसका हम इस तरह से लंबाई का नाप लेंगे। ये देखिए, ऐसे रखिएगा ये वाला जो, क्योंकि यहां तक हमने छत का नाप लिया, फिर यहां से लेंगे नीचे तक का, बिल्कुल जमीन से टच हो जाए इतना आपने नाप लेना। तो मैं देख लेती हूँ कितना बनता है। ये 41 इंच बना है। तो 41 इंच में मैं लगभग 2 इंच कपड़ा ज्यादा करूंगी, तो यानी 43 इंच। 43 इंच कपड़ा हम लेंथ के हिसाब से लेंगे। तो ये तो हो गई है लंबाई, जो भी हमारा ये कूलर है इसकी। तो आपने जो नाप लेना है इसी तरीके से लेना है, जितना बने उसमें 2 इंच कपड़ा आप ज्यादा कर दीजिए। अब हमने देखना है कि राउंड में इसकी जो है कितनी इसकी चौड़ाई बनती है। तो ये देखिएगा, हम जो अब मेरा जो ये कूलर है, यहां से इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, यहां से चौड़ाई इसकी ज्यादा है। तो जहां से इसकी चौड़ाई ज्यादा है वहां से हम इसका नाप लेंगे ताकि हम इसके लिए जो कवर बनाएं वो अच्छे से इसमें फिट हो जाए। वॉशिंग मशीन का भी आप बीच वाले हिस्से पर नाप लीजिए ताकि उसमें जब हम कवर को डालें तो वो उसमें फंसे ना। तो मैं इसको नाप के देख लेती हूँ इसकी जो है राउंड कितनी बनती है। तो इस तरह से हम इंची टेप से नाप लेंगे। अब 1 इंची टेप से नाप नहीं बनेगा, हम वहां पर इसको रख के और वहीं से दोबारा से नापना शुरू कर देंगे कि हमारा कितना बनता है, तो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि 60 इंच का हमारा इंची टेप है तो यहाँ हमारा ये पूरा हुआ, इससे आगे का भी हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए, मेरी जो इसकी राउंड में चौड़ाई आई है वो 88 इंच बनी है। तो 88 में मैं कम से कम 4 इंच कपड़ा ज्यादा काट लूंगी। तो आपने भी इसी तरह से करना है, राउंड का आपका जो नाप हो उसमें 4 इंच कपड़ा ज्यादा काट लीजिए। तो अब जितना मैंने इसका नाप लिया है, मैं पुरानी बेडशीट से बना रही हूँ
तो उसमें से मैं अब कपड़े को काट लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है कपड़ा तैयार कर लिया है। ये मेरे पास सिंगल बेड की पुरानी दो बेडशीट थी, तो इसमें मुझे जोड़ लगाना पड़ा है क्योंकि 92 इंच इसकी हमें लंबाई करनी है। तो 92 इंच लंबी कोई भी बेडशीट नहीं होती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर जोड़ लग गया है, इस तरह से जितने कपड़े की मुझे ज़रूरत पड़ी उतना आगे हमने इसमें जोड़ लगा लिया है। तो ये इसकी 92 इंच की लंबाई है और 43 यानी 43 इंच की ये नीचे तक की जो हमने इसकी चौड़ाई करके ली है। ऐसे में राउंड में हमारा 92 इंच बना था, तो वो 92 इंच की इसकी लंबाई हो गई है। और ऊपर से लेकर नीचे तक ये हमारा 41+2 इंच किया था मैंने, तो ये 43 इंच की लेंथ हो गई है। तो जोड़ लगा लीजिए अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है, क्योंकि एक बेडशीट में इतनी लंबाई नहीं बनती है। अगर वो चौड़ी ज्यादा हो तो कट करके साइड में जोड़ लगा लीजिए, दूसरी बेडशीट हो तो उसमें से लगा लीजिए। अगर आपके पास नया कपड़ा हो उसमें से बनाना चाहती हैं तो उसमें से ले लीजिए। जितनी आपकी लंबाई चौड़ाई बनती है इस तरह से एक कपड़ा हमने ये तैयार कर लिया। अब सिंगल कपड़े से हम ये कवर नहीं बनाएंगे, नीचे इसके एक कपड़ा और लगाएंगे। तो ये भी मैंने पुराने कपड़े से ही तैयार किया है। जैसे कि हमारे विशाल के पापा जी के कुर्ते पजामे होते हैं व्हाइट कलर के, तो उनका कुछ और तो बन नहीं पाता है। जब मैं कोई कवर वगैरह बनाती हूँ तो उनके नीचे इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा भी काफ़ी मजबूत होता है। तो देखिए आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे जोड़ आए हैं, लेकिन ये नीचे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास भी जैसे मान लिया पुराने कपड़े हैं, आप उनको यूज करना चाहती हैं, तो उसमें से इस तरह से ठीक ठीक से पीस निकाल के उसमें से सिलाई मार के जोड़ लगा के सेम लंबाई, जितनी लंबाई इसकी है 92 यानी 92 इंच की हमने इसकी लंबाई रखी है। और ये देखिए जो इसकी ये वाली लेंथ है, ये उसकी, ये जो बेडशीट का कपड़ा है इसकी 43 इंच है, लेकिन ये हमने 42 इंच की है। एक इंच कपड़ा जो भी आप नीचे लगाओ उसकी ये वाली चौड़ाई जो है ऊपर से नीचे तक की कम कर लेना, ऊपर वाले की एक इंच ज्यादा और नीचे वाले की एक इंच कम। तो ये दोनों कपड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे ये देखिए, सबसे पहले अब इसमें भी हमने जोड़ लगाए हैं और वैसे भी इसका ये उल्टा हिस्सा है, तो ये हो गया इस बेडशीट का सीधा हिस्सा। और ये जो हमने नीचे इसमें कपड़ा लगाने के लिए तैयार किया है, तो इस तरफ काफी सारी सिलाई है, तो इसका ये वाला हिस्सा हमारा सीधा होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे से सीधा मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर मशीन रख ली है, सिलाई साथ के साथ लग जाएगी, तो सीधे से सीधा मिलाएंगे। और जो इसकी 92 इंच की लंबाई है उस लंबाई में हम इसको सील देंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, सीधे से सीधा मिलाइए और एक सिरा इसका पूरा आप सील दीजिए। तो मैं एक साइड का पूरा हिस्सा इसका सील देती हूँ। और फिर जो हमने इसका ऊपर का जो छत का कपड़ा अलग से निकाला था, तो देखिए ये हमने इसका ये कपड़ा निकाला था ऊपर का, तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ये देख लीजिएगा 26.5 इंच की जो है इस तरह से लंबाई बनी थी, उसमें 1.5 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया, तो 28 इंच का देखिए ये वाली इसकी लेंथ हो गई है। फिर ये वाला देखिए इसकी चौड़ाई कम है, तो ये हमारा हुआ 16.5, 1.5 इंच मैंने प्लस किया था तो 18 इंच, ये 18 इंच है। अब इसके नीचे भी मुझे दूसरा कपड़ा लगाना है ताकि इसमें मजबूती आए, क्योंकि सिंगल कपड़े से कवर में कोई मजबूती नहीं आती है। तो ये मैंने कपड़ा लगा के और देखिए चारों तरफ इसकी सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हो, आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है और इस तरह से, ताकि जब हम इसको ऊपर इस वाले के साथ अटैच करें तो कोई सा भी कपड़ा ऊपर नीचे ना सरके। तो इस तरह से चारों तरफ इसकी सिलाई लगा के मैंने रख ली है, आप भी ऐसे ही लगा लीजिए। अब ये जो मैंने सीधे से सीधा मिलाया है, 92 इंच की लंबाई है, तो एक साइड में इसकी सील लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसकी 92 इंच की लेंथ है इसको हमने सील के और इसको फिर पलट दिया है, तो इधर से हमारी ये बेडशीट अब सीधी हो गई है और इधर से ये वाला कपड़ा सीधा हो गया है। जितनी भी सिलाइयां हैं वो अब इस कवर के बीच में चली जाएंगी। तो ये देखिए हमने पलटने के बाद ये वाली सिलाई से यहाँ फिनिशिंग आ गई है और इधर से सीधा हो गया है, इधर से सीधा हो गया। तो ये सिलाई एक लगा के और इसको ऐसे आपने पलट लेना है। और जो हमने एक इंच कपड़ा ये वाला ज्यादा लिया है, जब हमारा पूरा ये सिल जाएगा तब देखिए ऐसे आएगा इतना ये,
तो इससे हमारा जो ये व्हाइट वाला कपड़ा है ये दूसरी तरफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हमने ये वाला कपड़ा 1 इंच ज्यादा किया था। तो ये सिलने के बाद मैंने पलट लिया है। अब इसका दूसरी तरफ का सिरा जो कि हमारी लंबाई है 92 इंच, उसी को हम पकड़ेंगे। ये देखिएगा, बिल्कुल ऐसे मिला लेना है आपने। इधर से हमारी ये बेड शीट हो गई, इधर से व्हाइट कपड़ा हो गया। अब ये जो हमने इसकी छत तैयार की है, आप चाहे वॉशिंग मशीन के लिए बनाए या कूलर के लिए बनाए, इसी तरह से आपका एक ऊपर का जो छत का पीस है वो तैयार होगा। अब ये जो छत का पीस है, इसके साथ जब हम सीलेंगे तो सिलाई सीधी साइड पर आएगी, जिस पर हम पाइपिंग लगाएंगे, और पाइपिंग लगाने से वो कवर होगी। और इसमें हमने जो हमारी चौड़ाई बनी थी उससे हमने 4 इंच कपड़ा ज्यादा किया है, तो वो जो 4 इंच कपड़ा है वो बैक साइड में हम चुन्नटे डालेंगे, जिससे हम कवर अच्छे से डाल पाएंगे। तो अब आपने ये वाला कपड़ा पकड़ना, ध्यान से देखिएगा, और ये वाला देखिए एक साइड का बैक साइड पर जाएगा और एक साइड का ये वाला हिस्सा फ्रंट पे आएगा। तो अभी तो हमारा ये एक जैसा है, किसी भी साइड से आप सिलना शुरू कीजिए, यहां से नहीं करेंगे, इतना कपड़ा हम यहां से लेंगे और व्हाइट से व्हाइट को मिलाएंगे। ये जो हमारा व्हाइट कपड़ा है, लंबाई देख लीजिएगा आपकी जो भी बनती है, ये मेरी लंबाई है ऐसे में, और ये वाला जो कपड़ा है ऐसे हम इसको रखेंगे इस तरीके से। तो इतना चलेंगे हम इस वाले पार्ट में। देख लीजिए, लगभग मैंने ये 8 से 10 इंच कपड़ा लिया है, क्योंकि ये हम बैक साइड की तरफ रख लेंगे, जो हमारी बीच की सिलाई का जोड़ आएगा वो भी बैक साइड पे चला जाएगा और जो हमारी चुन्नटें आएंगी वो भी बैक साइड पे चली जाएंगी। तो लगभग 8 से 9 इंच कपड़ा इतना लीजिएगा। और ये जो व्हाइट वाला है, व्हाइट से व्हाइट को हमने मिलाया है, और इसका इतना कोना आप छोड़ दीजिए, इतना देखिए, इतना इतना छोड़ के अब यहां से हम इसको सीलना शुरू करेंगे। तो मैं बैक कैमरे से आपको थोड़ा सा सील के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हमने इसका निकाला हुआ है, ये मैंने इस तरह से रख लिया है। व्हाइट वाला जो इसका हिस्सा है, यानी जो हमने नीचे अस्तर लगाया है, इसको आप देखिए मशीन के इस तरह से ऊपर कर लिया है, ये हमारा नीचे चला गया है। अब ये जो हमारी इसकी 28 इंच की लेंथ है, 20 इंच कपड़ा मैंने इसका पीछे छोड़ दिया है और लगभग 8 इंच कपड़ा मैंने ये अपनी तरफ कर लिया है, जिसकी हम ये सिलाई करेंगे। अब ये जो हमारी लंबाई वाला कपड़ा है जो राउंड में लगेगा, ये 92 इंच की जो लंबाई है, इस तरह से इसको पकड़िए और ये इतना हिस्सा आप मशीन के नीचे देखिए ऐसे निकालिएगा, इसको आपने ऐसे रख देना है ऐसे करके। अब ये लगभग 2 इंच 1.5 इंच कपड़ा हमने इधर से सिला नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि जब हम जोड़ लगाएंगे तो इसमें हमें सिलने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इतना सा आप इसे आगे की तरफ निकाल दीजिए। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, व्हाइट से हमारा व्हाइट जो है अटैच हो गया है। तो अब इसकी आपने पहले ये वाला जो कोना है यहां तक की सिलाई करनी है। अब राउंड में हम इसको सिलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ कोने तक सील लिया है। अब आप मशीन को ऐसे उठाइए और थोड़ा सा पीछे रख लीजिए, क्योंकि यहाँ हमने कोने तक इसकी सिलाई कर ली है। अब जो इसका नीचे देखिए, ये इसकी 18 इंच की जो हमारी चौड़ाई है, अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये कोना इसका निकल जाएगा। अब इसे हम ऐसे इसके साथ में अटैच करेंगे और फिर इसकी हम यहाँ तक की सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी 18 इंच की इसकी चौड़ाई है, ये भी हमने सील ली है। तो यहाँ कोने तक पहले इसकी सिलाई की है। अब मशीन को उठाएंगे और थोड़ा सा पीछे ऐसे रख देंगे। अब फिर ये देखिएगा, इसकी ये अब लंबाई है 28 इंच की। अब हम ये वाली सिलाई करेंगे और ऐसे करके और फिर इसको सील लेंगे। और मैंने जो मशीन की सिलाई की है वो काफ़ी मोटी की है, क्योंकि अभी इस पर हम जब पाइपिंग लगाएंगे तो अभी इसकी हमारी डबल सिलाई और बनेगी। तो मोटी सिलाई से ही सील लीजिए ताकि जल्दी जल्दी सील जाए, 2-3 बार इसमें सिलाई लग जाती है पाइपिंग लगाने के दौरान, तो फिर यहाँ से ये खुलती नहीं है। तो अब इसकी हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे, इसकी जो हमारी 28 इंच की लेंथ है। तो ये देखिए, जो 28 इंच की एक साइड की लेंथ है वो हमने सील दी है। अब ये हमारी फिर से 18 इंच वाली चौड़ाई आ गई है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ तक इसको भी सील लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस साइड की चौड़ाई भी हमने सील ली है। अब हमारा ये सिर्फ लास्ट का हिस्सा बच गया है,
जो हमने बैक साइड की तरफ का 28 इंच किया है, तो 8 इंच तो इसका हमने इधर वाली साइड पर ये सील दिया है। इधर से भी हम 8 इंच इसकी सिलाई कर लेंगे यहाँ तक की। फिर बीच में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें चुन्नटे डालनी है, तो पहले मैं 8 इंच सील लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो है ये इतना पार्ट सिलना बाकी बच गया है जो हम इसकी बैक साइड का रखेंगे। और जो हमारी 92 इंच की लंबाई थी उसमें से देखिए हमारा ये इतना कपड़ा इधर है और ये इतना सा हमने इधर छोड़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले जोड़ को सिलेंगे और इसकी हम सिलाई भी गुप्त लगाएंगे ताकि ना वो सीधी साइड से दिखे और ना ही उल्टी तरफ से दिखे। तो इसकी सिलाई करने का तरीका देखिए, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम बाद में सिलेंगे। जो हमने नीचे कपड़ा लिया है, लाइनिंग जो हमने लगाई है, पहले हम इसको ऐसे करके सिलेंगे। जब इसको ऐसे सिलेंगे तो देखिए ये सिलाई ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो नीचे से तो ये हमारा सीधा हो जाएगा। तो पहले आप इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे करके सील दीजिए ताकि अंदर वाली साइड से इसमें सिलाई सीधी आ जाए और जो सिलने का एक ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ दिखेगा। तो ऐसे पकड़ के मैं इसकी पूरी सिलाई लगा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये व्हाइट वाला कपड़ा हमारा सिल चुका है। यहाँ से इसको हमने सिलना शुरू किया और ये देखिए, ये जो हमारी इसकी 42 इंच की लेंथ है वो हमारी सिल चुकी है। आगे हमारा ये ऊपर वाला जो कपड़ा हमने बेडशीट का लगाया है ये आ गया है। अब इस सिलाई को हम यहाँ से ऐसे ही जारी रखेंगे। ये वाला तो इसका देखिए अंदर वाला सिरा हो गया है, यहाँ पर जो फिनिशिंग आ गई है। अब हमें फिनिशिंग इसकी बाहर भी रखनी है क्योंकि सिलाई हमारी बाहर भी नहीं आनी चाहिए। तो अभी जब हम इसको ऐसे सिलते हुए आएंगे तो आगे हमारा ये बेडशीट वाला कपड़ा आ गया है, आपका जो भी होगा दूसरा आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही सिलते हुए जाएंगे ऐसे करके और ऐसे लास्ट तक सिलेंगे, क्योंकि 42 इंच हमारा वाइट है और 43 इंच हमारा ये बेडशीट वाला कपड़ा है। तो इसको भी अब हम ऐसे ही पकड़ेंगे। तो ये देखिए, ये वाला भी उल्टा है, ये वाला भी उल्टा। फिर जब हम इसको पलटेंगे तो ये सिलाई बिल्कुल अंदर चली जाएगी, गुम सिलाई हो जाएगी। तो सीलते हुए आपने यहाँ तक आना है और लगभग इसमें 7 से 8 इंच कपड़े की सिलाई आपने रख लेनी है। इतनी सी, 6 इंच भी रख सकते हो, लगभग 6, 7 या 8 इतने इंच की सिलाई आपकी बच जाए। तो यहाँ तक सिलाई इसकी कर लीजिए। फिर ये जो हमारा इतना सा पार्ट होगा इसमें से हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसका 6-7 इंच कपड़ा यहाँ से रख लिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारा ये जो कपड़ा चला गया है इसको हम ऐसे करके सीधा कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, ये हमारी जो सिलाई है इसकी भी अंदर चली गई है, इस वाले की भी, दोनों की अंदर हो गई है। तो ये हमारा जो है अब पूरी इसकी जो जोड़ है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ एक भी जोड़ नहीं है इसका। अब ये जो इसका हमारा कपड़ा बच गया है 6 से 7 इंच जो हमने रखा है, इसकी सिलाई कैसे करनी है ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कि ये हमारा 6-7 इंच जो हमने कपड़ा रखा है, व्हाइट वाला तो पहले पूरा सिल गया था, इसको आप ऐसे रखिए, एक सिरा नीचे हो गया, इसको ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए और फिर इसको आप सील दीजिए। तो ये इतना सा पार्ट आपका इस तरीके से सिल जाएगा। ये देखिए, ऐसे आपने इसकी सिलाई लगानी है इसके ऊपर से, ये देख लीजिए। ये देखिए, फिर इसकी हम लगभग 1.5 इंच आगे तक इसकी ऐसे सिलाई कर देंगे ताकि ये नीचे से इसकी सिलाई खुल ले ना पाए। तो देखिए, दोनों इसके जोड़ हमारे सिल गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी भी सिलाई अंदर की तरफ चली गई है और इस वाले की भी ये अंदर की तरफ आ गई है। तो इसमें भी यहाँ फिनिशिंग आ गई, इसमें भी आ गई। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक का सिलना बचा है, ये जो झोल है इसमें हम चुन्नटे डाल देंगे। तो ये आपने इसमें यहाँ पर चुन्नट डालनी है, इस तरह से पकड़िएगा और बराबर बराबर का गैप रख के 3-4 जितनी भी आपकी चुन्नट आती हैं वो इस कपड़े की ऐसे करके आप चुन्नट लगा दीजिए और फिर इसकी सिलाई करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 3 चुन्नट डाली हैं, 1
दो और ये तीन, और इसकी हमने लास्ट तक सिलाई कर दी है। तो अब ये जो इसका छत का कपड़ा है ये राउंड में सिल गया। अब इसकी हम पाइपिंग निकाल लेंगे। तो उसके लिए देखिए ये जो व्हाइट कपड़ा है मैं इससे लगाऊंगी, आप कोई भी ले लीजिएगा, आप सेम कलर से भी बना सकती हैं, कोई दूसरे कलर का कपड़ा हो तो उससे भी बना सकती हैं। तो ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए ये पूरी 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी है, और ये जो इसकी छत है 28 इंच लंबाई, फिर 18 इंच चौड़ाई, फिर 28 इंच लंबाई, फिर 18 इंच चौड़ाई, तो इसके राउंड में आ जाए उससे इतनी ज़्यादा इस पट्टी की लेंथ आप रख लीजिए। तो मैंने इतनी ये ले ली है। अब कैसे लगाएंगे देखिए, जो ये इस कूलर की छत है ये वाला कपड़ा हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो इसका नीचे हमारी 43 इंच जो लेंथ थी वो हमने नीचे की तरफ कर ली, तो ये ऊपर आ गया। अब हम ये पट्टी लेंगे। अब इतना एक कपड़ा तो लंबा था नहीं, मैंने काफ़ी सारे जोड़ लगाए हुए हैं, तो अब ये आपने ध्यान में रखना है। तो जो ये देखिएगा सीधा हिस्सा है ये नीचे वाले से ऐसे मिला देना है, ताकि जब हम इसको पलट के लगाएंगे तो ये जो सिलाई है ये ऐसे नीचे की तरफ दब जाएंगी। तो ये आपकी पट्टियाँ सीधे से ऐसे इस सीधे वाले हिस्से से लगा देनी है। किसी भी साइड से आप इसको सिलना शुरू कर सकती हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए मैंने ये एक साइड का इस ये कोने होते हैं चार, इस वाले कोने से यहाँ तक का इतना कपड़ा छोड़ देती हूँ, ताकि जब हम जोड़ लगाएं तो आसानी आ जाए। अब ये जो पट्टी है इसका भी मैं इतना सा सिरा छोड़ देती हूँ, इतने सिरे को छोड़ेंगे और थोड़ी सी अंदर तक सिलाई लेंगे। जो 2.5 इंच की है कम से कम हमारा ये 1 इंच कपड़ा दब जाए, इस तरह से लेंगे और ऐसे मशीन रखेंगे, और इस पट्टी को हम इसके राउंड में सील देंगे जैसे हमने ये वाला कपड़ा इस छत के साथ सील दिया था। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, ये हमने एक साइड का जो सिरा सील दिया है उस कोने का तो कपड़ा हमने छोड़ दिया था, अब हम दूसरे कोने पर आए हैं, तो इस कोने की जो सिलाई है यहाँ तक सील के, और फिर आपने सुई को नीचे ही रखना है, और फिर इस तरीके से टर्न कीजिए, और नीचे वाली जो पट्टी है वो लगभग 1 इंच कपड़ा नीचे सिलाई में दबता रहेगा, तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। और फिर ऐसे टर्न कर जाइए और फिर ऐसे सीलिए, ऐसे राउंड में इसकी सिलाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी राउंड में सिल गई है। अब इतना सा पार्ट बच गया है, इन दोनों हिस्सों को हम ऐसे सील देंगे, और फिर ये वाली जो सिलाई बच गई है इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये पट्टी हमारी चारों तरफ सिल गई है। अब देखिए ये छत का ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे की लेंथ है, तो ये देखिए ये हमारी जो सिलाई है अब इस पट्टी में हम ऐसे दबा देंगे, कवर कर देंगे, तो यहाँ से पाइपिंग भी निकल जाएगी, फिनिशिंग आ जाएगी और हमारी सिलाई कवर हो जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको सील के दिखा रही हूँ, फिर चारों तरफ से आपने ऐसे ही इसको सील लेना है। ऐसे रखिएगा इसको और ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर लीजिएगा। तो ये देखिए इतनी ही पट्टी इधर है, इतनी ही इधर है, और ऐसे रख के और आप इसकी सिलाई कीजिए। मैं आपको एक कोने से भी इसको सिलना बता देती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ से इसकी सिलाई शुरू की थी, ताकि एक कोने से आपको बता सकूँ। ये देखिए इसका कोना है, ऐसे लेकर आएंगे और इसको हम ऐसे ले आएंगे, और ऐसे देखिए ऐसे इसकी कोने कोना बन जाएगा, और इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यहाँ तक की सिलाई करेंगे और फिर यहाँ पर ले आएंगे। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ तक इसकी सिलाई ले आई हूँ मशीन को, फिर वापस इसे उठाएंगे और इसकी सिलाई हम यहाँ तक वापस करेंगे। तो ये जो कोने हैं इनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी आपकी, जब आप इस तरीके से करोगे तो। और फिर इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और यहाँ तक सील के और फिर ऐसे सीलिए, तो चारों कोने पर आपकी यहाँ पर डबल सिलाई ऐसे ही बन जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स कवर हमारा सिल के कंप्लीट हो गया है, इस तरह से इसकी ये पाइपिंग निकल गई है। तो चलिए अब मैं आपको इसे कूलर में पहना कर दिखाती हूँ कि इसकी फिटिंग कैसी आई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आई है, और आप नीचे तक देख सकते हैं बिल्कुल नीचे तक ये कवर हो गया है। और ये देखिए ये इसकी साइड
बिल्कुल नीचे तक कवर हो गया। और मैं बैक साइड से भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बैक साइड में हमने इसमें जो तीन चुन्नटें डाली हैं, जिसकी वजह से इस कवर को पहनाना काफ़ी आसान हो गया है। बिल्कुल ज़मीन से टच होके कवर हो गया है, जरा सी भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी। जब हमारी गर्मी ख़त्म हो जाएगी, सर्दियों का सीजन शुरू होता है, तो फिर कूलर हमें रखने होते हैं, और ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत सारी धूल मिट्टी हो जाती है। ये देखिएगा बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है। तो आप भी इसी तरह से वॉशिंग मशीन के लिए या कूलर के लिए कवर बनाना चाहती हैं तो आप बना लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय, खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।